मैंने कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ा, मोस्ट एक्सपेंसिव होम्स इन मुंबई, मेजॉरिटी ऑफ देम वर बॉट बाई ब्रोकर्स, नॉट रियल एस्टेट ब्रोकर्स बट स्टॉक ब्रोकर्स. हम लोग सोचने लगे कि उसके पीछे का रीजन क्या है. वी गॉट टू नो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ R&R, रिसर्च एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट. व्हेनेवर अ स्टॉक ब्रोकर रिसर्चेस अबाउट अ स्टॉक, ही गोज इन टू द डेप्थ, और फिर वो स्टॉक वो अपने क्लाइंट को सजेस्ट करता है और उसमें इन्वेस्ट करवाता है. वाई कांट रियल एस्टेट ब्रोकर्स रिसर्च अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर सेलिंग इट और पिचिंग इट टू देयर क्लाइंट? रिलेशनशिप मैनेजमेंट. एक स्टॉक ब्रोकर लाइफ टाइम अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप मैनेज करता है, उनका पूरा पोर्टफोलियो मैनेज करता है, एंड एवरी मंथ ही चार्जेस अ फी. सो एक ही बंदे से बिकॉज ऑफ द रिलेशनशिप मैनेजमेंट ही मेक्स वेल्थ फॉर देम एंड ऑल्सो वेल्थ फॉर हिमसेल्फ. सो अ रियल एस्टेट ब्रोकर इफ ही स्टार्ट्स डूइंग R&R, रिसर्च एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत जल्द एक ऐसा आर्टिकल पढ़ेंगे कि द मोस्ट एक्सपेंसिव होम्स इन इंडिया आर बॉट बाई अ रियल एस्टेट ब्रोकर्स.